नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं ज्योति। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल महागठबंधन सरकार के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि कल विपक्षियों का महाजुटान होना है। सारे विपक्षी एक मन साझा करने वाले, इसको लेकर तमाम तैयारियां, समीकरण जो है नए नए तैयार किए जा रहे हैं। तैयारियां जो है पटना में देखा जा सकता है कि जोरों शोरों से चल रही है। तमाम विपक्षियों के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर तमाम पार्टी कार्यालय तक पूरा पोस्टर सजा दिया गया है। लेकिन अब बता दें कि एक बड़ी खबर निकल के ये सामने आ रही है कि बता दें कि विजय कुमार चौधरी के साले यानी अजय उर्फ कारू सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। आज सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम जो है उनके घर पहुँच गई है और उनके घर पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी ईडी की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है कि आखिर ये छापेमारी किस वजह से की जा रही है। हम बता दें कि कारू सिंह पेशे से ऐसे तो उद्योगपति हैं, उनका छड़ और इन सब तमाम का बिजनेस है। एक बड़े उद्योगपति के तौर पर कारू सिंह को देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से अचानक ईडी की टीम पहुंचती है, उनके घर पर छापेमारी शुरू कर देती है। बता दी कि उनके घर से लेकर फैक्ट्री तक तमाम जगहों पर, उनके तमाम ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम पहुँच रही है और छापेमारी कर रही है। लेकिन ये जो छापेमारी है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले होना एक अलग मायने जो है इसके निकल के सामने आ रहे हैं। कहना है कि कहीं ना कहीं एक तरीके की साजिश जो है कहा जाए तो ये रचा गया है कि किसी भी तरीके से बस विपक्षी एकजुटता का बैठक ना हो। लेकिन आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता की बैठक तो होगी, लेकिन ये जो ईडी की छापेमारी है, आखिर इससे ये जो ईडी लगातार जो छापेमारी कर रही है, ये क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, बता दें कि इस छापेमारी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर इसको लेकर भी आरोप लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक तरीके की साजिश है। क्योंकि ये जब भी देखा गया है कि जब भी अगर कोई महागठबंधन सरकार कोई महाजनसभा संबोधित करती है या कुछ अपनी रणनीति तैयार करती है, इसके ही जितने भी लोग होते हैं भाजपा के द्वारा, इनके ही कटघरे में खड़े लोग कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो ऐसे जो तमाम मंत्रियों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, की जाती रही है। इससे पहले भी ऐसा वाक्या हो चुका है। एक बार फिर से कल विपक्षी एकजुटता का महाजुटान होना है, कल एक रणनीति तैयार होनी है। ये बहुत बड़ा सभा जो है कल संबोधित करने वाले हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कारू सिंह के यहाँ ये जो ईडी की छापेमारी हो रही है, अब इसको कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षियों ने कहा है कि ये भाजपा की एक साजिश है, हमेशा से ऐसी ही कोई ना कोई वो साजिश रचती आई है। लेकिन वो कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन हम आपको बता दें कि भाजपा चाहे जितनी भी साजिश रच ले, लेकिन हमारी जो रणनीति है, हमारा जो इरादा है, वो कामयाब हो के रहेगा। और जहाँ तक बात रही है ईडी की छापेमारी की, तो हम साफ हैं, साफ सुथरे हैं, जितने भी छापेमारी करना है कर लें, ऐसा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगने वाला है। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी ईडी की तरफ से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि आखिर ये छापेमारी क्यों की गई है। अचानक से ये जो छापेमारी की, आज के दिन जो चुना गया छापेमारी के लिए, ये जो टाइमिंग था, इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल जो है कहीं ना कहीं भाजपा पर जो है अब वो खड़ा हो रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब ये देखना होगा कि आखिर ईडी की छापेमारी में क्या तस्वीरें निकल के सामने आती है। इस तस्वीरों को भी और इन खबरों को भी आपके साथ हम लगातार साझा करते रहेंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीवी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।